हेलो दोस्तों, सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड पोस्ट प्रोडक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज हम बात करेंगे साउंड को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसमें से नॉइस को हटाते हैं और कौन कौन से इफेक्ट उसमें डालते हैं, और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, यहाँ आई बटन पर आपको वो दिख जाएगी, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी YouTube वीडियोस में तीन तरीके से साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। एक, जो मैंने आपको बताया था, मोबाइल फ़ोन से। सेकंड, मैं एक्सटर्नल माइक को अपने कैमरे में सीधा कनेक्ट करता हूँ और ऑडियो को सीधा कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ। एंड थर्ड, PC में रिकॉर्डिंग। फर्स्ट के बारे में हमने पहली वीडियो में बात करी है बिल्कुल क्लियर, कि आप एक सेकेंडरी मोबाइल का यूज़ कैसे कर सकते हो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते टाइम दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद आपकी ऑडियो अच्छी खासी आपको मिल जाती है, बट उसमें इफेक्ट्स और थोड़े से नॉइस कैंसिलेशन कवर का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ऑडियो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते टाइम सबसे पहले आपको देखनी पड़ती है ऑडियो की सेंसिटिविटी, आपका कैमरा कितनी सेंसिटिविटी से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये आपके माइक्रोफोन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सेंसिटिव वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको वो सेंसिटिविटी मीडियम रखनी है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी, आपकी छोटी मोटी सांस लेने की हल्की हल्की ऐसी वॉइस जो नॉर्मली आनी नहीं चाहिए ऑडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होने लगेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम सेंसिटिव रखते हैं उसे, तो वो आपकी पर्सनल वॉइस को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा जो आप बोल रहे हो। अब बात करेंगे PC में रिकॉर्डिंग की। अब बात PC की हो तो हमें PC पे जाना पड़ेगा। PC में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला था, जो था NVIDIA का, NVIDIA RTX वॉइस। इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपको बहुत अच्छा साउंड मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन, बिल्कुल एक प्रोफेशनल फील मिलेगी आपको ऑडियो में। तो उसके लिए बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और दो तीन आपको एडजस्टमेंट करने के बाद आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल बात है, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप जाहिर बात है गूगल खोलेंगे, तो अपना क्रोम खोलो और उसमें सर्च करो NVIDIA RTX वॉइस डाउनलोडर, तो आपको NVIDIA का इस तरीके से दिख जाएगा, NVIDIA RTX वॉइस सेटअप गाइड। इस पर टैप कर दो और नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जहां पे आपको एक ब्रॉडकास्ट मिलेगा और एक RTX वॉइस मिलेगा। तो ब्रॉडकास्ट को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर और इसमें बहुत ज्यादा झंझट है, आप सिंपली RTX को यूज कर सकते। आपने टैप किया और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल बात है, उसमें क्या नया कुछ नहीं है। बट उससे पहले हम थोड़ी सी सेटअप गाइड पे नजर मार लेते हैं। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जहां पे आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के लिए डाला था, और नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस इस तरीके का होता है, आपको सेम इसी तरह की सेटिंग्स रखनी है अपने PC में। उसके बाद आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं, जिन सॉफ्टवेयर में इसे यूज कैसे किया जा सकता है। उन सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाकर आपको ऑप्शन दिखा रखे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑन करना है और कहाँ पे क्या रखना चाहिए। तो नॉर्मली मैं OBS स्टूडियो में यूज करता हूँ इसका, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, या आपको किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करना है आप उसमें यूज कर सकते हैं, सिंपली आपको लगाना है एंड बैम। अब आते हैं AI के ऊपर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपनी ऑडियो को कैसे इनहेंस कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो उसके लिए हम एक AI टूल के बारे में बताएंगे और यूज़ करके भी बताएंगे उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर में पूरी प्रॉपर एक वीडियो तैयार कर लें। प्रॉपर का मतलब प्रॉपर, बस आप उसमें कोई ऑडियो इफेक्ट मत डालें, बिल्कुल सारी फाइल्स को एक प्रॉपर वे में रखना है, कोई इफेक्ट्स नहीं डालना उस ऑडियो में। उसके बाद जो आपकी ऑडियो होगी और आपको एक्सपोर्ट करना है, ओनली ऑडियो आपको ऑडियो की फाइल एक्सपोर्ट करनी है। अब मैं प्रीमियम प्रो में कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसे वे फॉर्म ऑडियो में कर सकते हैं, ये एक ऑडियो की फॉर्म होती है जिसमें आप एडिटिंग अच्छी कर पाते हो। तो इसमें आप बस सिंपली ये करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद आप सीधा क्रोम खोले और क्रोम पे सर्च करें एडोब इनहेंस ऑडियो, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा इनहेंस स्पीच फ्रॉम एडोब, उस पर क्लिक करें और आपको मिल जाएगा, यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ गया जहाँ पे आपकी आपको फाइल मिल जाएगी और बैम बस हो गया।
यहाँ पे आपने फाइल डाली और ये इसका काम स्टार्ट हो गया, आपको एनहेंस होकर फाइल मिल जाएगी और A1 क्लास आपको मिलेगी, बिकॉज जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो ये इसी का एनहेंस है। और आपको अब आप सुन सकते हैं ओरिजिनल ऑडियो। तो ये है ओरिजिनल ऑडियो जो बिना एनहेंस के है और ये एनहेंस के साथ है। बट ऑडियो में इसके बाद जो इफेक्ट्स डलते हैं उसके बाद ऑडियो का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट हो जाता है। सो चलते हैं आगे और देखते हैं वो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब एनहेंस ऑडियो हमने डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद उस पर करते हैं इफेक्ट्स का काम। अब क्या क्या इफेक्ट्स हम डालते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स ऑडियो में मैजिक होता है वो सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये ऑडियो प्रॉपर बन चुकी है, बट मैंने इसके पहले ऑडियो मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया। हम इसमें नया ऑडियो डालेंगे जो हमने डाउनलोड कर रखा है। तो डाउनलोड में आओ, सिंपली नीचे स्क्रॉल करो और ऊपर ये हमारा इनहेंस ऑडियो है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपनी में और ये ऑडियो हम ले आए। अब इस ऑडियो में हम डालेंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट खोला, फर्स्ट इफेक्ट डालेंगे हम डायनेमिक प्रोसेसिंग। सेकंड डालेंगे हम पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। एंड थर्ड इफेक्ट डालेंगे हम मल्टीबैंड कंप्रेसर और सीधा अपनी ऑडियो पर ड्रैग करके डाल दें। देखिए हमने जो 3 इफेक्ट डाले उनमें से 2 इफेक्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डिफॉल्ट पे हैं, डिफॉल्ट पे रहने दो, उनमें कोई चेंजेस। बस आपको लास्ट मल्टीबैंड कंप्रेसर में खोलना है और इसे डिफॉल्ट से लेकर ब्रॉडकास्ट में, इसे डिफॉल्ट की जगह ब्रॉडकास्ट में डाल देना है। इसके बाद आपकी ऑडियो नेक्स्ट लेवल फील होगी जो आपको भी हो रही है। तो ये है हमारी ऑडियो की पूरी प्रोसेसिंग जो हम करते हैं। सो अब बात करेंगे हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो, सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास एक ऑडियो फुटेज है जिसमें साउंड भी है बट उसका साउंड लो क्वालिटी का है, वहीं पे हमने उसी सेम वीडियो का साउंड एक हाई क्वालिटी में किसी अदर डिवाइस में सेव कर रखा है और हमें ये दोनों मिलाने होते हैं, इन्हें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है और वो बीच की जो बेकार ऑडियो है वो हटा के हम उस ऑडियो की जगह अपनी जो हमने एक्सटर्नली ऑडियो रिकॉर्ड किए हम उसे प्ले वहाँ डाल देते हैं, जिससे हमारे पास ऑडियो हाई क्वालिटी होगी और वीडियो भी हाई क्वालिटी की हो जाती है। अभी आप हमारी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हो जो एक रील है। अब इसमें हमें बस खाली क्या करना है, इसके लिए इसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है इसके साथ उसे हटा के इसमें ओरिजिनल ऑडियो डालनी है। तो अभी हम इसे म्यूट करते हैं, इसकी साउंड सुनते हैं। स्टार्ट। ये कैमरे की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करते हैं, हम किसी तरह का कोई इक्विपमेंट्स और यूज़ नहीं करते हैं जब रिकॉर्डिंग करते हैं, जब रील या फिर किस तरीके का सॉन्ग जब हम रील या किसी तरह का सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है जब आप रील शूट कर रहे हो किसी गाने की, किसी लिपसिंग वाले कॉन्सेप्ट के लिए या आप किसी तरह का पूरा सॉन्ग शूट कर रहे हो। तो अब हमने ये काम कर दिया, आपके पास एक ऑडियो है, अब हम इसका ओरिजिनल ऑडियो सुनते हैं। अभी अगर मैंने सीधा पुट कर दिया तो ये मिसमैच है और मैं ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता इसके पीछे, तो सिंपली काम हम छोड़ देते हैं सॉफ्टवेयर पे। तीनों को सिलेक्ट करा, टैप करा और ये रहा हमारा ऑप्शन सिंक्रोनाइजेशन और टैप। टैप। तो इसने हमें बता दिया ये यहाँ पे ऑडियो सुनाई दिया है और बस हमें इसे क्रॉप करके इसके साइज का करना है और इस ऑडियो को हटा के इस ऑडियो को उसकी जगह रख लेना और बूम। आई थिंक इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं बचा है, मैंने जितने टॉपिक्स बताए थे मैंने वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देखें और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करें।